ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। आप सभी भक्तों का ज्योतिष मिराकल के आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को होली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का यह त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, ऐसी माता रानी से हमारी प्रार्थना है। आज का एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हम उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी दुकान पर बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा कमेंट अगर हमारे पास किसी चीज को लेकर आते हैं तो वो दुकान की बिक्री को लेकर आते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि शास्त्री जी, दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे दुकान में हमेशा ग्राहक आते रहें। तो अगर आप भी इसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो आज का यह एपिसोड आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं जो जो भक्त आज के इस एपिसोड को पूरा देखेगा माता रानी की कृपा से, उनकी दुकान में कभी भी ग्राहकों की कमी नहीं होगी। मेरे प्यारे दर्शकों, उपाय टोटके उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं जो इनमें विश्वास करते हैं। सच्चे मन से किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता। और चमत्कार पे ही नमस्कार है, भगवान उसी की प्रार्थना सुनते हैं जो सच्चे मन से अटूट भाव से भगवान को स्मरण करके उनके निमित्त पूजा करता है, उनके निमित्त गुणगान करता है। तो साथियों, अगर आपकी दुकान में ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए हैं तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, इस उपाय को आप सच्चे मन से कर दीजिएगा। परमपिता परमात्मा की कृपा से आपकी दुकान कभी भी ग्राहकों से खाली नहीं रहेगी। अगर आप पहली बार ज्योतिष मिराकल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब माता रानी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः माँ तेरी सदा ही जय। तो प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री प्रस्तुत हूं ज्योतिष मिराकल के नए एपिसोड के साथ। आज का हमारा विषय है दुकान की बिक्री को किस तरह से बढ़ाया जाए। प्यारे बंधुजनों, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि शास्त्री जी, हमने अपनी दुकान में बहुत उपाय कर लिए, बहुत टोटके कर लिए, लेकिन फिर भी हमारी दुकान में ग्राहक नहीं आते। इसका क्या कारण है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी दुकान ग्राहकों से खाली रहती है, हमारी दुकान में बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती। अक्सर कई भक्त तो यहाँ तक कहते हैं कि शास्त्री जी, हमें ऐसा लगता है हमारी दुकान पर किसी ने कुछ करवा दिया है या किसी ने दुकान का काम बंधवा दिया है। देखिए,
कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं जो आप बताते हैं, हो सकता है आपके साथ वह प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन ज्योतिष में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। बिल्कुल भी घबराएं मत, चिंता छोड़ दें और भगवान का नाम लेकर आप ऐसा उपाय करें जिसके करने से आपकी दुकान फिर से अच्छी चलने लग जाए। तो अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सोच समझकर और सही विधि से किया गया उपाय हमेशा अच्छा ही फल प्रदान करता है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा भक्त जनों के साथ शेयर करना है, ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का पूर्ण फल भी प्राप्त हो और आपको भी किए जाने वाले उपाय का पूर्ण लाभ मिलता रहे। तो चलिए अब आज का जो उपाय है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्यारे बंधुजनों, जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में पढ़ा है कि दूध में थोड़ा मिलाकर पूरी दुकान में छिड़कें, ग्राहक आने लग जाएंगे। जी हाँ, आप सभी को पता है कि दूध का प्रयोग जहां पर पीने के लिए तो किया ही जाता है, वहीं पर ज्योतिष में दूध के ऐसे ऐसे टोटके बताए गए हैं जो कभी खाली नहीं जाते। गाय माता का दूध इस उपाय में आपने प्रयोग करना है और ध्यान से सुन ले, यह उपाय लगातार 7 सोमवार आपने करना है। एक स्टील के लोटे में आपने दूध लेना है, उस स्टील के लोटे को दूध से आधा भर लेना है और उस दूध के अंदर आपने सफेद रंग के तिल डाल देने हैं और थोड़ी हल्दी भी उस दूध में डाल देनी है। अब आपने इस दूध को अपनी पूरी दुकान में 7 बार जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ऐसे ही उस लोटे को अपने पूरी दुकान में 7 बार आपने घुमाना है। उसके बाद आपकी दुकान के पास कोई भी शिव मंदिर अगर है तो वहां पर जाकर उस लोटे का जो दूध है वो सारा का सारा दूध शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण कर देना है। जिस समय शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाएंगे, अपने मुख से ओम नमः शिवाय आपने बोलते रहना है और जब पूरा दूध शिवलिंग पर अर्पण हो जाए उसके बाद हाथ जोड़कर आपने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे शंकर महादेव, मेरी दुकान की बिक्री में या मेरी दुकान पर ग्राहक आने में अगर कोई भी रुकावट है, आप तुरंत प्रभाव से उस रुकावट को दूर करें और शीघ्र अति शीघ्र मेरी दुकान में ग्राहक आना प्रारंभ हो जाए, ऐसा आपने बोलना है। लगातार 7 सोमवार यह उपाय आपने करना है, बीच में कोई भी सोमवार आपने नहीं छोड़ना है। एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप इस उपाय को लगातार करेंगे तो अपने भोजन में ना तो आपने प्याज का प्रयोग करना है और ना ही लहसुन का प्रयोग आपने अपने भोजन में करना है। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है जब तक यह उपाय संपूर्ण नहीं हो जाता। मांस मदिरा इत्यादि कोई भी तामसिक वस्तु भी आपने ग्रहण नहीं करनी है, क्योंकि ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आते हैं ये पूर्ण सात्विक उपाय होते हैं और ये उपाय तभी आपके लिए काम करते हैं जब
आपके मन का भाव भी हो, आपकी भी परमात्मा में पूर्ण आस्था हो, तभी यह उपाय आपके लिए कार्य करते हैं। साथियों, बहुत सारे भक्तों के कमेंट आते हैं कि शास्त्री जी आप जो भी उपाय बताते हैं हम वो सभी करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। साथियों, कई बार हो सकता है कि उपाय करने में आपसे कोई चूक हुई हो या कोई त्रुटि हुई हो या फिर कुछ, कई बार हमारे ग्रह इतने प्रबल नहीं होते जिनके कारण हमें उपाय का जो रिजल्ट है वो जल्दी नहीं मिलता। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जो उपाय आपने कर दिया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, भले ही दो दिन लेट आपको रिजल्ट मिले, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना है कि जो उपाय मैंने किया था वो ऐसे ही व्यर्थ गया, क्योंकि भगवान का लिया हुआ नाम, किया गया दान और किया गया उपाय, ये तीनों चीज कभी भी खाली नहीं गई और ना कभी जाती है। तो इसलिए जब भी आप कोई उपाय करें उसको सच्चे मन से और भगवान में आस्था रखकर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस उपाय का तुरंत प्रभाव से आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथियों, इस उपाय को करने के तुरंत बाद ही जो रिजल्ट है वो मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी दुकान में किसी भी तरह की कोई भी अड़चन थी, चाहे वो नेगेटिविटी का दोष था, चाहे वो किए कराए का दोष था, चाहे वो किसी प्रकार का बंधन का दोष था, या शत्रु की वजह से आपकी दुकान में कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी दुकान में थी तो इस उपाय के करने के तुरंत बाद से ही वो सारी परेशानियां, सारे दोष आपकी दुकान से हटने प्रारंभ हो जाएंगे और देवी भगवती की कृपा से आपकी दुकान में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे ग्राहक आना प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, हमारा एपिसोड बनाने का उद्देश्य तभी सफल होता है जब हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके काम आए, आपके द्वारा किए जाने वाले उपायों से आपको फल मिले, तभी एपिसोड बनाने का पूर्ण उद्देश्य सफल हो पाता है। तो प्यारे बंधुजनों, सच्चे मन से उपाय करते रहे और परमपिता परमात्मा की कृपा से आपकी दुकानदारी जल्द ही बहुत अच्छी चलने लग जाएगी। तो साथियों, आज के इस एपिसोड की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर जरूर करना है। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना कि कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं जिसमें वो अपना नंबर डालकर रखते हैं। कृपया करके ऐसे किसी भी नंबर पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो केवल आपको या तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिलेगा या जो एपिसोड आप देख रहे हैं उसकी स्क्रीन पर वो नंबर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा अन्य कोई भी नंबर नहीं है। अगर आप किसी तीसरे नंबर पर संपर्क करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं आपकी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। जय माता की।